प्लीज डोंट टेस्ट गोभी। गुड मॉर्निंग, आप सब कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। साथियों, मैं अभी थोड़ा थोड़ा डस्टिंग कर रही थी, और ये इसलिए डस्टिंग कर रही थी क्योंकि आप सबको मैं बता दूँ कि मैं 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा सीरियस बीमार हो गई थी, और वो हो गया था, मुझे फूड पॉइजनिंग हो गया था। तो इसके फूड पॉइजनिंग में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, तो डॉक्टर से जो मेडिसिन वगैरह दे रहे थे, जो ग्लूकोज वगैरह उन्होंने दिया, तो वो तो ठीक ठाक था, बट उन्होंने कहा कि आपकी आदत है बहुत ज़्यादा काम करने की, तो थोड़ा सा स्लोली स्लोली आप काम की शुरुआत कीजिएगा। तो यही मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि अगर थोड़ी सी बीमारी से उठते हैं या थोड़ी सी वीकनेस लगती है, तो थोड़ा सा छोटे छोटे काम से शुरुआत कर लीजिए। अपने कमरे की डस्टिंग से शुरू कीजिए, फिर धीरे धीरे बढ़ाइए। जैसे आप खाने का की क्वांटिटी बढ़ाते हैं ना, थोड़ा सा लिक्विड डाइट पे आपको ऐसे स्थिति में डॉक्टर्स कहते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आप अपना डाइट बढ़ाते हैं, उसी तरीके से। तो मैंने भी वही शुरुआत की है 2 दिन के बाद। हालाँकि मैं बाकी चीज़ें उठ के आ जा रही थी, पर हाँ, वीकनेस तो बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा हो गई थी हालत। तो अब मैं ठीक हूँ, और 1-2 दिन में आप सबसे बातें करते करते बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। और मुझे इसके बाद ऑफिस भी जाना है, बस डॉक्टर के पास से आके दवाई वगैरह ले करके। और मैं रात में जब वहाँ से हॉस्पिटल से आई हूँ तो आके सो गई थी। तो अब आज से मेरी क्रियाकलाप जो है वो शुरू हो जाएंगे सारे। आपके लिए नहीं है, लेकिन मदर आप है, ताकि सुरक्षित घर पर रिटायरमेंट में ये चैनल डायरेक्टर का आशीर्वाद है। हमारे ऑफिस में हमारे कोलीग की लड़की की शादी हुई थी, तो हम सब को वहाँ इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी था, और यहाँ जाना भी मेरा ज़रूरी था, तो मैं इसी में वहाँ भी गई और सबको मिल के आई और पार्टिसिपेट किया। पर हाँ, कुछ खाया नहीं था वहाँ, क्योंकि खाना बिल्कुल मना था मुझे, बाहर का कुछ भी अभी मना है खाने के लिए, बट एंजॉय किया। बाहर निकले तो इन कबूतरों को जब एक कतार में बैठे देखा, तो मुझे लगा कि हम सबको भी इसी तरीके से एक दूसरे का साथ दे करके खड़ा होना चाहिए किसी भी परेशानी और मुसीबत में। और ये मैंने कितना क्रश करके रखा, अभी इसको पूरा स्टीम प्रेस मारने में शीशे की तरह एकदम हो जाएगा। एक घूम जाओ बेटा, तुम ना बोलोगे तो ना, नहीं ना, मैं क्यों, तू जो बोले ना तो ना, तू जो बोले हाँ तो ना, आप बताओ, वो भी खिलाएंगे। एक और ले जाओ, प्लीज डोंट टेस्ट। हाँ जी, कुछ विचार व्यक्त करें। क्या विचार व्यक्त करें? कौन ये आया है, किसको देख के जाना?
माता जी ने घंटी बजाई तो उठी नहीं होंगी, उनको तो इंस्ट्रक्शन है, उनको तो इंस्ट्रक्शन है कि दूर तक दिन को कितनी बार बेचारी उठ के आई। से मार्केट में घूम रहे हैं। सबसे पहले हम गए कहाँ, सीपी नहीं, कहाँ गए थे सबसे पहले, राजेंद्र नगर गए थे, फिर उसके बाद हम गए सीपी, फिर सीपी से अब हम रजौरी गार्डन आ गए हैं। तकरीबन जो हमें शॉपिंग करनी है वो हो चुका है, फाइनल यहाँ पे शॉपिंग के लिए हम आए हैं। नवेली हमारे साथ साथ है। आपने देखा कि अभी हम लोग सुबह से मार्केट में ही घूम रहे थे, सुबह 10 बजे 11 बजे करीब निकल गए थे और उस वक्त से बहुत सारी शॉपिंग करनी थी। पहले यहाँ से हम राजेंद्र नगर गए, वहाँ से कुछ शॉपिंग किया, जो मेन था नवेली के लिए शॉपिंग करनी थी वो की, उसके बाद हम अटैची लेनी थी तो करोल बाग गए, करोल बाग से फिर हम सीपी आए, सीपी से फिर हम रजौरी गार्डन गए। तो तकरीबन जिसका पिछले 2 महीने से हम प्लानिंग कर रहे थे, आज बहुत सारी चीज़ें परचेज कर ली, पर जो भी दुकान में हमने परचेज किया वो सब अल्टर के लिए वहीं पे अभी फ़िलहाल दिया हुआ है। जो नवेली के कपड़े थे, अनवी के कपड़े थे, वो सब कुछ अल्टर के लिए दिया हुआ है। और मैं जो मैंने लिया है वो मैं लेके आ गई हूँ फैब इंडिया से, मैंने परचेज किया एक साड़ी, पूरा नहीं दिखाऊंगी देवी, बस ये साड़ी ली है मैंने। और अब इसका चूंकि मैं ये लेके आ गई क्योंकि मुझे इसका ब्लाउज बनवाना था और पेटीकोट वगैरह लेना था, तो ये मैंने साड़ी ली है। जब अब मैं जिस ओकेजन में पहनूंगी, मैं थोड़ा सा ऐसे कहते हुए मुझे हिचक लग रही है, मैं जब भी मैं पहनूंगी तो ज़रूर आप सबसे शेयर करूंगी। और इसके अलावा मैंने एक चीज़ और ली है जो बहुत ही खूबसूरत है, वो सैंडल है, वो मुझे दिखाने में अजीब सा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत सा है, मैं आपको दिखाती हूँ, रुक जाइए। ये लिया है पेयर, बहुत ही खूबसूरत, बहुत डिसेंट सा है, तो हमें बहुत अच्छा लगा। और मज़े की बात है, तीनों हम जनों ने एक एक पेयर ले लिया। और एक मैंने ये लिया है ऐसे ही, चांदी है, आप सबको मालूम है कि मुझे चांदी का बहुत शौक है, तो ये एक लेके आई हूँ, ये देखिए, ये है, ये कान का, चूंकि मैं इस तरह की चीजें पहनती हूँ इसलिए मैं ये लेके आई हूँ। ये तो बस कुछ और शॉपिंग है, वो बाद में आप सबको दिखाऊंगी। अब आज की शॉपिंग कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। और मैं आप सबको यहाँ पे बता देती हूँ कि 2 दिन से मेरा वीडियो नहीं आने का रीज़न ये था कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ही वाली ख़राब हो गई थी और स्टमक अपसेट हो गया था, वॉमिटिंग वगैरह हो रही थी, फूड पॉइजनिंग हो गया था। एक्चुअली जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि आपको फूड पॉइजनिंग हो गई है। तो 2 दिन इसकी वजह से मैं बिल्कुल एक भी वीडियो नहीं शूट कर पाई क्योंकि उठने की स्थिति में नहीं थी। अब आज थोड़ी तबीयत ठीक हुई है तो इस तरीके से मैंने ये सारा कुछ आपके लिए शूट किया है। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा वीडियो है, आप सब ज़रूर इसे लाइक करेंगे, पसंद करेंगे, मेरी वजह से आप सब बहुत परेशान होंगे कि क्यों नहीं आ रहा है 2 दिन से, तो सारा चीज़ बता दिया। और अब रेगुलर मैं वीडियो डालूंगी, बस 2 दिन का गैप हो गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आप सबसे। और कल से फिर से रेगुलर वीडियो आएगा हमारा। अगर पसंद आया है ये छोटा सा तो आप इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कल मिलते हैं, गुड नाइट, बाय बाय।